तो स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने बताया था कि ये है लाल मूली, तो ये रेडिश है। ऑलवेज रेडिश को हम मूली बोलते हैं, बट ये ऑलरेडी लाल ही है। ये हिमाचल के अंदर मिलती है और आप कभी आओ तो इसको भी ट्राई कर सकते हो कांगड़ा के अंदर। तो ये कहाँ होती है मूली? मेन कांगड़ा में होती है। ठीक है, मेन कांगड़ा में होती है। इसका काट के दिखाओ ये अंदर से कैसी होती है। तो ये अब रेड मूली है और हम इसको काट के देख रहे हैं ये अंदर से कैसी निकलेगी। वाइट ही होती है अंदर से। अंदर से भैया बोल रहे हैं कि ये वाइट ही होती है। और इसका टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके दिखाते हैं कि आपको इसका कैसा टेस्ट होने वाला है। टेस्ट मिर्ची वाला होता है, सलाद के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। और आप देखो लोकेशन चारों ओर, कितने भैया इसको छील रहे हैं। और बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे। और ये सारे वेजिटेबल शॉप्स हैं यहाँ पे, ये वाली और लगी हुई हैं। बहुत फ्रेश फ्रेश चीज़ें लगी हुई हैं। तो मूली भैया ने छील के तैयार कर दी है आपके लिए। पालमपुर से कांगड़ा जाते हुए रास्ते में, हाँ पालमपुर से कांगड़ा जाते हुए रास्ते में स्टॉल मिलेंगे बीच में। और वो क्या है जो वो तो हम घर पे होता है ना, अपने गडियाली, वो लंबी लंबी गडियाली है। गडियाली तो हमने खाई है, अरबी की बड़ी बहन, अरबी की बड़ी बहन जो जो जी ने हमें बताया ये हिमाचल में होती है गडियाली। और ये पत्तों की पतेड़ बनती है। एक्चुअली ये लाल ही होती है पर अंदर से आप देख रहे हैं कि ये वाइट ही है पूरी की पूरी। और इसका टेस्ट हम आपको बताएंगे, भैया जी ने बताया सैलड के लिए यूज होती है। और कैसा टेस्ट बता रहे थे आप इसका? तीखा टेस्ट बता रहे थे। चलो देखते हैं इसका टेस्ट कैसे होने वाला है। दिखा दो तो ये कट के खाते हैं इसको वैसे। नमक लगा के खाते हैं, बट जो जो ट्राई कीजिए और बताइए इसका टेस्ट कैसा है। तीखा है। अबे मैं भी टेस्ट करता हूँ इसका, देखता हूँ टेस्ट कैसा है। ज़्यादा तीखा नहीं है, ज़्यादा तीखी नहीं ना है, अच्छी लग रही है टेस्ट में। हल्का हल्का अपनी मूली से थोड़ा डिफरेंट है। हल्की हल्की मीठी है और मूली का प्रॉपर टेस्ट दे रही है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी लाल मूली। अगर आओ तो इसको भी ट्राई करना। थैंक यू।